ये राहुल गांधी का प्रत्याशी नहीं है, ये केवल राहुल गांधी का प्रत्याशी नहीं है। आप लोग पुलिस वाले सब पीछे हो जाओ, मेरी जनता है, मुझे उनके साथ रहने दो, सब पीछे हो जाओ। मेरे साथ मेरे मंच पे खड़े हुए कांग्रेस का प्रत्याशी केवल नहीं, राहुल गांधी का प्रत्याशी केवल नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कुशीनगर और इस खट्टा क्षेत्र की जन जन का प्रत्याशी आरपीएन सिंह साहब जो इस मंच पे मेरे साथ में खड़े हुए हैं। यहां से आप लोग आराम से अगर बैठ जाओगे तो आपके पीछे वाले लोग भी देख पाएंगे। बैठ जाओ, कृपा करके बैठ जाओ। मैं यही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आपकी आज्ञा न मिले। चौधराय पसंदी आपके साथ ही रहेगा। बैठो 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 दादा, बैठो बैठो बैठो। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं उस धरती पे उपस्थित हूं, उस कुशीनगर की धरती पर, जिस धरती पर एक राजनीतिज्ञ इस मंच पर नहीं खड़ा है, एक नेता इस मंच पर नहीं खड़ा है, एक नेता इस मंच पर नहीं खड़ा है। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कहा था बचपन के समय में, मान लो मेरी बात, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। बैठो, चलो बैठ जाओ। लाल दुपट्टे वाले बैठो, बैठ जाओ, बैठो। जब तक तुम नहीं बैठोगे मैं शुरू नहीं करूंगा। बैठो, हाँ ये हुई ना बात। चलो, मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कहा था 20-25 साल पहले जब मैं राजनीति में नहीं था कि याद रखना, सिंधिया परिवार का लक्ष्य राजनीति नहीं है, सिंधिया परिवार का लक्ष्य जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। तो आज इस मंच पर मेरे साथ जो व्यक्ति खड़ा है, मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं बधाई और धन्यवाद इनको अर्पित करना चाहता हूं। मैं इनसे उम्र में छोटा हूं, इनसे अनुभव में छोटा हूं, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस मंच पर जो उम्मीदवार खड़ा है मेरे बड़े भाई के समान मेरे खड़ा है। और मैं बड़ा भाई इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक अनुभवी नेता है, मैं बड़ा भाई कह रहा हूं और अपने गुना के चुनाव के अभियान को छोड़कर मैं यहां आया हूं चुनाव संपन्न होते ही, क्योंकि आज आपके बीच में मैं कोई नेता के लिए नहीं आया हूं। आज देश की राजनीति आप लोग देख रहे हैं, देखो ना भैया, मैं शुरू नहीं करूंगा जब तक साइकिल आप ढीट तो मैं वहां ढीट। बैठो दादा, आज देश की राजनीति की परिदृश्य देखो आप। आज देश में जो राजनीति दिख रही है, जो नेताओं का भमार दिख रहा है, लेकिन आज इस देश की राजनीति से शायद जितनी घृणा आप करते हो उतनी ही घृणा शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करता है, क्योंकि इस देश में जब ये देश स्वतंत्र हुआ था, इस देश में जब स्वतंत्र संग्रामियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया,
ताकि एक प्रजातंत्र में आप अपना जीवन ज्ञापन कर पाओ, एक प्रजातंत्र में हम अपना जीवन ज्ञापन कर पाए। उन्होंने माना था कि जनसेवा का पथ चलेगा और उस जनसेवा के पथ पर विकास और प्रगति के आधार पर जनता चलेगी। और अगर इस राजनीति से आप भी घृणा करते हो, तो अगर इस राजनीति को परिवर्तित करना है तो इस कीचड़ में आपको कूदना होगा, और कीचड़ में कूदकर इसके मंथन के आधार पर एक अमृत निकालना होगा, और उस अमृत के आधार पर देश में और क्षेत्र में आपको और हमें अपने बुलंद आवाज के साथ परिवर्तन लाना होगा। आज अगर खड्डा में मैं हूं, मैं आया हूं मध्य प्रदेश से, और अगर आज मैं खड्डा में आया हूं तो मैं एक नेता के लिए नहीं आया, मैं एक नेता के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई और बहनों सुन लो, मेरी लाल साड़ी वाली अम्मा जिससे मैं बात कर रहा था जब मैं शौचालय में गया था, विश्वास रखना कि मैं एक नेता के लिए नहीं आया हूं यहां, मैं आया हूं तो मैं एक अच्छे इंसान के लिए आया हूं। और आज इस देश में आपको नेता मिलेंगे, आज इस देश में आपको मंत्री मिलेंगे, संतरी मिलेंगे, तंत्री मिलेंगे, लेकिन अच्छा इंसान पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई और बहन। और बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं, दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं पर दिल बड़े काले होते हैं। दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। अरे दम दो मुझे, दिल बड़े काले होते हैं। आज अगर खड्डा में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और सिंधिया परिवार का मुखिया, इस कलयुग के जमाने में ज्यादा लोगों की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि न जाने कब कोई व्यक्ति कहां से बदलता है। लेकिन आज अगर खड्डा में आपके समक्ष में मैं खड़ा हूं तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए खड़ा हूं जिनका दिमाग केवल दूध की तरह साफ नहीं लेकिन जिनका दिल भी दूध की तरह साफ। जब से होश संभाला है इस व्यक्ति ने, चाहे विधायक के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, आपकी प्रगति, आपका विकास की बीड़ा इस व्यक्ति ने उठाया है। सुख के समय में आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन मैं नहीं मानता कि भगवान न करे, लेकिन खड्डा और आसपास के क्षेत्र में कभी भी कोई दुख का समय आया हो, आर पी एन सिंह जी ने कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ कार्य न किया हो, आजकल के जमाने में भारत में नेता बहुत निकलते हैं, शुरुआत होती है जमीन से। नेता जब बन जाते हैं तो कलफ का कुर्ता आ जाता है, काले चश्मे आ जाते हैं और गाड़ी में एयर कंडीशन चलाना शुरू हो जाता है। और अगर मंत्री वो व्यक्ति बन जाए, अगर मंत्री वो व्यक्ति बन जाए, समझे ना, इनको देखो, कलप दिख रहा है कुर्ते पे, एक कलप नहीं कुर्ते पे। और मैं तो मानता हूं कि जब तक शरीर में और कुर्ते में जब तक पसीने की बूंद ना टपक टपक के गिरे, तब तक मजा भी नहीं आता चलता।
अब जिंदगी भर नहीं बोलूंगा अम्मा तो। जब माथे पे लाली लगाएगी आरपीएन सिंह जी का, और जब ये घर घर में घूमेंगे और वो माथी की लाली के साथ वो पसीना टपक टपक के गिरेगा, तब जब ये धूल और इस माटी के साथ मिलकर वो पवित्रता धारण करती है जनसेवा के पथ पे चलने के लिए मेरे भाई। मैंने इनको संसद में देखा है, मंत्री के रूप में एक बात छोड़ो आप, लेकिन आपके सांसद के रूप में मेरे साथ जब संसद में थे, हर बार कुशीनगर की बात उठती थी, और आज इस मंच से इन्होंने मुझे धन्यवाद अर्पित किया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए। अरे भैया, आरपीएन सिंह जी को तो आप मुझसे अच्छा जानते हो, अगर ये व्यक्ति आपसे कुछ मांगे, किसी मंत्री को इनको ना कहने की हिम्मत है क्या? तो मैं हाँ कहूं या ना कहूं, योजना तो ये मुझसे लेके ही जाएंगे, और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है जिसने आपकी लड़ाई लड़ी, ये श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं जाता, ये श्रेय आरपीएन सिंह जी को जाता है। अरे थोड़ा उत्साह वर्णन तो करो, तालियों की गड़गड़ाहट, अरे ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि मोदी जी और योगी जी के कान में सुनाई पड़े। आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? देखो, जिंदगी में जो लोग पीछे बैठते हैं ना, उनको कभी मौका नहीं मिलता, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे वालों के साथ ही खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? 25 साल हो गए, सबको देखा आपने बारंबार, बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार, सपा की सरकार, एक एक व्यक्ति को आपने मौका दिया, और जब से ये भगवा कपड़े धारण करने वाले योगी जी आए हैं, तब से चाहे एक तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में गिरावट, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, और जब से योगी जी आए हैं तब से तो जंगल का तांडव मच रहा है, उत्तर प्रदेश में जंगल का तांडव मच रहा है। कहा था इन्होंने, जो अभी लल्लू जी ने कहा, बड़े जोश का भाषण दिया, और जोश के साथ लल्लू जी में होश भी है। लल्लू जी ने कहा, कहा था इन्होंने, मेरे भाई और बहनों, याद है आपको, मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार बनाना 14 दिन में गन्ने का पेमेंट आपके खाते में पहुंचाएंगे। कहा था कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, कहा था कि नहीं? 14 दिन में गन्ने का पेमेंट आपके खाते में पहुंचाएंगे। आज तक मिला 119 चीनी मिल के 35 लाख किसान, 35 लाख गन्ने के किसान, 119 चीनी मिल के 10,000 करोड़ रुपया आज भी बकाया है, जो किसान के खाते में आज तक नहीं पहुंचा पिछले एक साल। कहा था इन्होंने 14 दिन में पहुंचा।
खाद का दाम क्या हुआ? जो धनो सुनो सुनो, जो 400 रुपया प्रति कट्टा था कांग्रेस के जमाने में, आज 1500 रुपया और 45 किलो का, 50 किलो का कट्टा वो 45 किलो कर दिया। 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की ये जयंती, बापू की जयंती, अहिंसा के पुजारी की जयंती पर राहुल गांधी जी और हम सब लोग सेवाग्राम में इकट्ठा हुए उनके चरणों को नमन करने के लिए, उस दिन जब दिल्ली में देश भर के किसान आए थे, देश भर के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस के गोले लगाए गए। और ये जो लालू जी ने कहा, जब मंदसौर में जो मंदसौर का गोलीकांड हुआ, मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं तब तक फूल की माला नहीं लूंगा जब तक इन भाजपाइयों के बोरी बिस्तर बांध के मध्य प्रदेश से रवाना न करूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता को, भाजपा की बोरी बिस्तर बांध के रवाना किया। आज किसान प्रताड़ित, कहा था इन्होंने लागत का दाम आधा किया जाएगा और समर्थन दोगुना किया जाएगा। आज 5 साल निकल गए, ओम्मा पीछे पीली घूंघट में, आज 5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, लागत का दाम दोगुना हो गया और समर्थन मूल्य ना गन्ना, ना समर्थन मूल्य, ना खाद, ना बीज, ना पानी। राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना हमने दिलाई है, आज बीएन सिंह जी की मेहनत मशक्कत के आधार पर आज एक एक गांव में बिजली का खंभा, तार, डीपी, ट्रांसफॉर्मर एक एक गांव में लगा है। कार्यों की गड़गड़ाहट से तो धन्यवाद देना। अरे तालियां तो ऐसी बजाओ, तालियां तो ऐसी बजनी चाहिए जो पटौना और कुशीनगर की ताली कहला जाए। तालियां थोड़ी कम बजी, तालियां थोड़ी कम बजी, मैं बताऊं तालियां क्यों कम बजी? तालियां इसलिए कम बजी क्योंकि लाइन इन्होंने दिया, खंभा इन्होंने दिया, डीपी इन्होंने दी, ट्रांसफॉर्मर इन्होंने दी, अखिलेश जी और योगी जी के बीच में करंट नहीं मिली।